एक करके इतनी मेहनत से इस जीत को हासिल किए हैं, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा और आपके माध्यम से उनको भरोसा दिलाऊंगा कि जो भी क्षेत्र के प्रति उनके मन में विकास या सेवा का भाव होगा उस पर मैं खड़ा उतरूंगा। सर, बहुजन समाज पार्टी को देखा जाए कि अगर सीटें बिल्कुल इस तरीके से हर बार की तरह से बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है और इसकी समीक्षा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भानुश्री मायावती जी जरूर करेंगे। हम सब मिलकर इसकी समीक्षा करेंगे कि चूक कहाँ से हुई जिससे कि हमें इतनी सीटें कम मिली। देखना भी है कि हमारा वोट परसेंटेज हमारा कितना बढ़ा है कि घटा है। पिछली बार 2017 में हमारी सीट जरूर कम आई थी लेकिन हम सपा से 1.9% अधिक थे, तो इस बार भी देखना है कि आखिर में हमारी चूक कहाँ से हुई है। जिस तरीके से देखा जाए तो सपा एकदम सरकार बनाने की दावा कर रही थी लेकिन वो भी आज फेल हो गई बीजेपी के आगे। सपा तो दावा कर रही थी तो अब सपा को इसका समीक्षा करना चाहिए कि क्यों फेल हो गई और सपा के बारे में हम क्या बोले। सपा तो 400 सीट कर रहे थे, हम लोग बड़ा चिंतित थे कि 3 सीट कौन सपा छोड़ रही है लेकिन अब 403 सीट बसपा को बस एक सीट मिली है। जी हाँ, एक सीट मिली है लेकिन लड़े थे हम 403 पे। हम अन्य दलों जैसा नहीं कि सरकार में आने के लिए हम किसी के साथ समझौता कर लें, कोई हम लोग हमारी पार्टी ऐसा नहीं कर सकते। बनारस में जो ईवीएम पकड़ी है उस पर